मलाई पनीर सुन के मुँह में आ गया ना पानी। तो गाइज आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ मलाई पनीर। गाइज आपका स्वागत है अपना बिहार किचन में, और आइए चलते हैं कि मलाई पनीर कैसे बनाएं घर में। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनती है गाइज। ये ऐसी मलाई पनीर आपने कभी नहीं खाई होगी, और अगर आप ये मलाई पनीर ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स प्याज ले लिया है, गार्लिक लिया है, अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 3 टमाटर ले लिए हैं बड़े, और यहाँ पे मैंने काजू और मगज, तो ये देख लीजिए यहाँ पे काजू और मगज लिया। इन सारे को हम अलग अलग करके सेपरेट हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए काजू, मगज, टमाटर और अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट हमने सब बना के रख लिया है। तो इस तरह से हमें पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं मलाई पनीर 8 से 10 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम पनीर ले लिया है। तो पनीर को आप अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके और अच्छे से कट कर ले छोटे टुकड़ों में। थोड़ा सा यहाँ पे हमने जागरी लिया है, घी हो गया 3 से 4 टेबल स्पून, ये हमारी घर की दूध की मलाई है, तो 1 कप आप मलाई ले लेना। ये हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, काली मिर्च पाउडर यहाँ पे लिया हमने, जीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, और ये किंग मसाला, कोई भी आप गरम मसाला ले सकते हो। तो कढ़ाई को हम गर्म करेंगे और उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है हम वहाँ पे घी ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और 2 से 3 तेज़पत्ता। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का जो हमने जो पेस्ट बनाया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। 2 से 3 बार चलाने के बाद टोमेटो का जो पेस्ट बनाया है हमने वो भी पेस्ट हम यहाँ पे डाल देंगे। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जितने भी हमने स्पाइसेस लिए थे वो सारे स्पाइसेस को हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके स्लोली कुक करना है, धीरे धीरे कुक करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में फ्राई करके जलाना नहीं है इसे। जब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ा ब्राउन कलर अलग से दिखने ना लगे, थोड़ा थोड़ा घी इसमें छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए कलर यहाँ पे चेंज हो गया है थोड़ा। 5 से 6 मिनट के लिए इसे और हम और पका लेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमने काजू और मगज का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमें मसालों को फ्राई करना है। फिर से हम 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे। तो इस तरह से हमें पका लेना है ये। तो ये मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप मिल्क मलाई जो हमने पहले लिया था उसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मिल्क मलाई को हम यहाँ पे मिला देंगे और वापस से हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए धीरे धीरे इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे 1 कप पानी या फिर आप दूध के साथ डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूध और पानी दोनों मिक्स करके एक बॉल ऐड की हूँ मैं। तो इस तरह से आपको जितनी भी ग्रेवी रिक्वायर्ड है, इसे हम ज़्यादा बहुत पतला नहीं बनाते हैं, ग्रेवी इसकी थिक ही रहती है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ग्रेवी एकदम रेडी है। तो अब हमें पनीर के जो पीसेस हमने कट किए थे उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। सारे पनीर के पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इवन घर में बच्चों को अगर हम ये रेसिपी बना के खिलाते हैं तो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे।
तो बहुत ज़्यादा हम इसमें मिर्ची या फिर बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि जो मलाई पनीर है उसका टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा ही रहता है। तो जो हमने 1 टेबल स्पून जागरी लिया था, आप यहाँ पे जागरी की जगह पे आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जागरी यहाँ पे डाल देंगे। और 1 चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला जो घर की गरम मसाला होती है वो वाले गरम मसाला हम डाल सकते, 1 चम्मच डाल देंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए वापस से हम इसे पका लेंगे। और यह हमारी रेसिपी बनके तैयार है। तो आप भी गाइस आप घर में बनाइए और बताइए हमें कमेंट करके कि आपकी ये मलाई पनीर रेसिपी कहाँ कैसी बनी है। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आप लोग वीडियो देख के और फूड हो जाते हो, तो प्लीज़ फूड ना हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।